क्यों अखिलेश भाई सो रहे हो, वो भी पंखा बंद करके। कम से कम पंखा तो चालू कर लो, जाओ स्विच ऑन कर लो। आलस आ रही है मुझे बहुत ज्यादा, इसलिए मैं अब पंखे को अपने मोबाइल से ही चालू करूंगा। दिखाओ। ये मेरे में एक एप्लीकेशन है जो मैंने इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपने फैन को कंट्रोल में कर रखा है। तो ये देखिए, ये चालू। अरे वाह, अंधेरा भी लग रहा है तो मैं लाइट भी चालू कर। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से अखिलेश ने अपने मोबाइल से इस फैन को और इस लाइट को कंट्रोल किया। आइए देखते हैं किस प्रकार से आप भी इसको कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फिर एक धमाकेदार वीडियो के साथ हम आपके लिए लेके आए हैं होम ऑटोमेशन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। दोस्तों कितना अच्छा हो अगर हम घर की लाइट्स को, घर के फैन को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सके, तो आपको बार बार उठ के स्विच को दबाने जाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यही प्रोजेक्ट आज हम आपको लाइव इम्प्लीमेंट करके सिखाएंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमने अपने ऑफिस को ऑटोमेट किया है। दोस्तों ये सारा काम किया है हमारे दोस्त अखिलेश भाई ने। हेलो। और इसकी कोडिंग हमने किया है सॉफ्टवेयर में। सारी चीजें आपको पूरा डिटेल में हम बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों ऑफिस को ऑटोमेट करने के लिए जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 चैनल का रिले मॉड्यूल हमने खुद ही डेवलप किया है। इसके बाद ये हमने एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड यूज़ किया है, ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये आपका PCB एंटीना है, तो ये हमारे मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही में ये सिस्टम हम पावर दे रहे हैं एक 5 वोल्ट के अडाप्टर से। आप देख सकते हैं यहाँ 220 वोल्ट से हम ले रहे हैं और ये 5 वोल्ट से कन्वर्ट कर रहा है 5 वोल्ट को और यहाँ रिले में और इसको दे रहे हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में कोडिंग की गई है, अब मैं आपको कोडिंग दिखा देता हूँ। हमने जिस ऐप का यूज़ किया है उस ऐप का नाम है ब्लिंक और ये है उसका कोड। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 लाइट्स को कंट्रोल किया है, तो इस प्रकार से ये चल रहा है। तो दोस्तों ये जो है देख रहे हैं आप, ये 2-way स्विच है। ये हम जब इसमें कनेक्ट करेंगे तो हम ऐसा चाहेंगे कि हम मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकें और मैनुअल भी ऑपरेट कर सकें, तो वो सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे 2-way स्विच यूज कर रहे हैं। अब हम ये बोर्ड को खोल देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है तारों का शहर। अब हम इसमें अपना मॉड्यूल फिक्स करने वाले हैं। ये फैन और जो लाइट्स हैं ये हमारे इस मेन बोर्ड से कनेक्टेड है, तो हम जो मॉड्यूल बनाएंगे वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे अखिलेश भाई अभी उस मॉड्यूल की पेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों चारों रिले से 4 वायर हमारे निकलेंगे और वो हमारे इन स्विचेस पे जाएंगे, क्योंकि हम 4 थिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, 3 लाइट है और 1 फैन। दोस्तों फाइनली हम अपने मॉड्यूल को पावर दे रहे हैं। ये देखिए पावर मिल चुका है दोस्तों, हमारा मॉड्यूल ऑन हो चुका है। तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, अब हम पैक कर देते हैं इसको। और फाइनली हमारा सर्किट पैक हो तो बोर्ड हमारा पैक हो चुका है दोस्तों। तो फाइनली हमारा बोर्ड रेडी है, हमने इसमें अपना ऑटोमेटेड सर्किट लगा दिया है। देखिए यहाँ पे 2-way स्विच में आपको ऊपर M दिख रहा है और नीचे A, A का मतलब है ऑटोमेटिक, M का मतलब है मैनुअल। तो अगर ये मैनुअल में हम कर देते हैं इसको, तो हमारे यहाँ की लाइट्स मैनुअली कंट्रोल होगी, स्विच से कंट्रोल होगी, आप देख सकते हैं। और अगर हमने इसको ऑटोमेटिक किया
तो फिर हमारा ये ऑटोमेशन वाला सर्किट रेडी हो जाएगा। ये देखिए सर्किट को पावर मिल गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है, आप देख सकते हैं, क्लिक करना। यहाँ पे हमने चार बटन दिखाए हैं, पहला है लाइट वन, लाइट टू, लाइट थ्री और फैन। अब देखिए हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, आगे थोड़ा, हाँ करिए, ये देखिए, दूसरा करिए, बंद करिए, फैन ऑन करिए, फैन ऑन। तो देखिए जैसे ही इनने फैन ऑन पे क्लिक किया, फैन हमारा चालू हो गया। फैन बंद करिए, ये फैन बंद किया हमने, देखिए थोड़ी देर में फैन हमारा बंद हो जाएगा। सारी लाइट्स बंद, ये देखिए लाइट्स बंद, फिर से लाइट चालू करिए, ये लाइट चालू हो गई, लाइट चालू बंद तुरंत तुरंत करिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ रियल टाइम में हो रहा है, जल्दी 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 किसी भी एक लाइट को आप जल्दी जल्दी बंद करिए, चालू करिए, ये देखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने होम ऑटोमेशन या ऑफिस का ऑटोमेशन किया है। आप भी इस प्रकार के होम ऑटोमेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब वो मोबाइल में ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे रिले में स्विचिंग हो रही है। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से आप अपने ऑफिस को ऑटोमेट कर सकते हैं, अपने घर को ऑटोमेट कर सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे अहेड।